नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के लिए। आज बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे आप सभी को विदित होगा कि आज जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, आज उन लोगों की बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे उसी पर डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो आज जो आप लोगों ने इतने दिनों से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संगठित होकर लड़ाई लड़ी, बेहद नतीजे की करीब पर है। आप लोग का जो है अब रिजल्ट आने ही वाली है, क्योंकि सरकार के जितने सारे बहाने थे, सारे बहाने अब विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है, और आपके वकील के द्वारा जो दलील दी गई आज हाईकोर्ट में वो बेहतरीन थे, काबिले तारीफ थे। वो सारे पक्ष आप लोगों की तरफ आती है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा जहां आपके खिलाफ या सरकार जीत रही हो। हर पॉइंट पे आज जो स्थिति बनी उसमें आज पंचायत सचिव के अभ्यर्थी, लिपिक संवर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी जीत सुनिश्चित हो रही है। भले आज सरकार के वकील कहें, कार्मिक विभाग के वकील कहें, सभी आज बैकफुट पर नजर आए। साथ ही वकीलों की जो गैलरी है उसमें सुखबुगाहट आने लगी है कि आज जो दलील दी गई आपके पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के द्वारा, जो वकील थे उन्होंने इतने स्ट्रांगली अपना स्टेटमेंट रखा कि आपकी जीत निश्चित ही तय है। आज क्या कहा गया, देखिए, सरकार की ओर से संजय पिपरवाल जी का एक बयान आया जिसमें कहा गया कि हमें समय दे दीजिए, हमें 3 महीनों का समय दे दीजिए ताकि हम टालें, हम नई बहाना ढूंढे और नई एक कोई प्रॉब्लम लाकर कोर्ट के सामने रखे और इस नियुक्ति को लटका दें। लेकिन आज आपके वकील के द्वारा इतनी स्ट्रांग तरीके से अपनी पक्ष रखी गई, जिसे सरकार के ऊपर आपकी हाईकोर्ट ने क्या कहा कि क्यों ना आपके ऊपर अवमानना की केस चलाई जाए, क्योंकि अब जो परिस्थिति बन रही है अवमानना की केस, सरकार इससे डर रही है, क्योंकि सरकार के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है जिससे वो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी, लिपिक संवर्गीय अभ्यर्थी हैं, इनको रोक सके। सरकार के द्वारा यह भी दलील दी गई कि हमने जो 11 जिले के शिक्षक नियुक्ति, हिस्ट्री सिविक्स की जो नियुक्ति है वो शुरू कर दी है, तो आप हमें समय दीजिए और हम पंचायत सचिव की नियुक्ति करेंगे। लेकिन देखिए परिस्थिति क्या बन रही है, जबकि ये चीजों को तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि आप 24 जिलों की नियुक्ति करें। अब कोर्ट ने कहा कि हम आपको 3 महीने के समय तो नहीं दे सकते, लेकिन निश्चित रूप से आपको 3 दिसंबर से पहले आप 2400 जिलों के पंचायत सचिव के अभ्यर्थी, लिपिक संवर्गीय जो अभ्यर्थी हैं, उसकी नियुक्ति जरूर से जरूर करें। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके कोर्ट के अवमानना का केस आप पर चलाया जाएगा। अब सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है, 3 दिसंबर से पहले उम्मीद है सरकार आप लोगों के लिए कोई एक नई नियुक्ति के लिए, मतलब आपकी जो नियुक्ति अंतिम चरण में है, आप लोगों के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दे, क्योंकि सरकार के पास अब कोई भी ऐसा ऑप्शन बचा नहीं है। संजय पिपरवाल जी बैकफुट पर नजर आए, ओम प्रकाश तिवारी जी जो हमारे कार्मिक विभाग के वकील थे वो भी बैकफुट पर नजर आए। तो ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं बन रही जिसमें सरकार की जीत सुनिश्चित हो। निश्चित तौर पर अभी जो जीत की सहरा है वो पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का है। ये क्रेडिट आपके संगठित होकर लड़ने की वजह से है। आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से सरकार के खिलाफ लड़ा और आपकी जीत सुनिश्चित है। आप लोग घबराए नहीं, इसी तरह से लगे रहें, और आप पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों, लिपि के संबर के अभ्यर्थी जो भी हैं, उनको एबी एकेडमी दुमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आपने एक बेहतरीन लड़ाई लड़ी, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और सरकार आपके हर बात को मानने के लिए अब मजबूर है। अब आपकी रिजल्ट आना लगभग तय है। जैसे कि आप उत्पाद सिपाही हो, चाहे और भी जितने भी वैकेंसीज जिनको सरकार के द्वारा लटकाई गई है, तो इस डिसीजन से आगे की जो रास्ते है वो भी खुलने वाली है। निश्चित रूप से और भी नियुक्तियां आएंगी, क्योंकि सरकार अब बैकफुट पर है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर करें, हम आपकी कमेंट देखते हैं, और उनकी हमारी टीम जो एबी एकेडमी दुमका की टीम है, ये जवाब देने की पूरी तरह से जवाबदेही है, और ये जरूर आपको जवाब देंगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।